हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो आज मैं कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ, जो कि आप 3 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए ट्राई करा सकते हैं। सो ये है मेरा पहला एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने कुछ एरो मार्क ड्रॉ किया है और उसको कुछ शेप के अंदर ड्रॉ किया है। लाइक आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया है, ये अफ वाले को मैंने सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है, डाउन एरो को मैंने स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया है, और ये लास्ट एरो को मैंने एक डायमंड शेप में ड्रॉ किया है। तो बच्चों को क्या करना है, ये जैसे मैंने और एरोस यहाँ पे नीचे बना दिया है, तो जो एरो जिस शेप के अंदर है उसको वहाँ ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये वाला एरो, ये कौन से शेप में है, डायमंड में है, तो यहाँ पे डायमंड ड्रॉ करना है। जैसे ये अप एरो, ये कौन से शेप के अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो जैसे डाउन एरो, ये कौन से शेप में है, ये स्क्वायर के अंदर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो बिलीव मी गाइस, ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चे थोड़ा सोचेंगे और बहुत मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा बच्चों के लिए। तो आप पहले अच्छे से समझा दीजिए और ये करने के लिए ज़रूर दीजिए आप बच्चों को। तो ये था मेरा पहला एक्टिविटी, ये है सेकेंड एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ट्रायंगल है, हार्ट है, स्माइली है, स्टार है, इसके बाद एक डायमंड है, उसके बाद एक सर्कल के अंदर एक प्लस है, और मैंने ये बॉक्स में जो ऐसे लिया है उसमें वो सारे पिक्चर्स ड्रॉ किया है, लेकिन जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में नहीं है, कुछ कुछ मिसिंग है उसके अंदर। वो बच्चों को इसको देख के यहाँ पे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला मैं दिखा सकती हूँ, पहले ट्रायंगल है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, हार्ट शेप आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है। तो बच्चों को मैं कलर पेंस यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बच्चों को ज़रूर जो कलर है उसी कलर का दीजिए, और उनको बोलिए आइडेंटिफाई करने के लिए वो कलर, तो दोनों का फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे है हार्ट, देन स्माइली है, यस, देन स्टार है, यस, उसके बाद क्या वाला मिसिंग है, डायमंड मिसिंग है, तो इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्या है, ये सर्कल के अंदर एक प्लस है, ये मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट में, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके बाद हार्ट मिसिंग है, उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, स्माइली, तो स्माइली मिसिंग है, उसको ड्रॉ करना चाहिए। देन स्टार है, देन क्या है, देन है डायमंड, ये मिसिंग है, उसको ड्रॉ कर दीजिए, नेक्स्ट वाला कंप्लीट है। तो ऐसे आप बच्चों को दे सकते हैं। ये था मेरा सेकेंड एक्टिविटी। ये है मेरी थर्ड एक्टिविटी, जिसमें मैंने कुछ जो सिमेट्री होता है ना, तो बच्चों को समझाना ये ज़रूरी है। छोटे बच्चों को भले वर्ड समझ में ना आए कि क्या है सिमेट्री है, लेकिन ये सब पहले करने के लिए दीजिए, उसके बाद समझाइए कि हाँ ये सब सिमेट्री है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया है, उसका एक पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है, और दूसरी जो पार्ट है वो डॉटेड फॉर्म में है, उसको ड्रॉ करना है। जैसे ट्री है, तो इसको डॉटेड फॉर्म में है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है। लाइक ये वाला जैसे चॉकलेट है, तो इसको उसको ऐसे ड्रॉ करना है। मैंने पहले प्रैक्टिस के लिए आप डॉटेड फॉर्म में दीजिए, उसके बाद सेम पिक्चर्स को हाफ ड्रॉ कर दीजिए, और हाफ उनको खुद से ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेटर्स भी लिया है, एच, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं जो सिमेट्री, जैसे आप देख सकते हैं, यस, तो आप ऐसे ए भी ले सकते हैं, ऐसे हाफ ड्रॉ करके उसके बाद ऐसे छोड़ सकते हैं अंदर। तो आप ऐसे कुछ पिक्चर्स, कुछ नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ कुछ नंबर्स जो सिमेट्रिकल नंबर्स है, फिर उसके बाद आप कुछ कुछ शेप्स ही ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख से दे सकते हैं, तो आप ऐसे दे सकते हैं एक्टिविटी बच्चों को कराने के लिए, और ये बहुत मज़ा आता है बच्चों को करने के लिए। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 4 डॉटेड लाइन्स 4x4 का डॉट डाला है, उसमें एक पैटर्न ड्रॉ किया है, उसको देख के कॉपी करके यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करना है। तो बच्चों को ऐसे कहीं पे भी जेड नहीं, मतलब ये जो मैं जेड बोल रही हूँ, जो पैटर्न है, कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करना है, इसको देख के सेम जो पैटर्न है वो सेम चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए, लेकिन आप प्लीज़ उनको करने के लिए दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते देखते ये पहले 4 डॉट्स हमने ज्वाइन कर लिया, देन ये डाउन में 4 डॉट्स,
और यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे है, तो बच्चों को देखना है कि हाँ ये डॉट कौन से वाले, ये जिसमें 3x4 लिया है मैंने, तो ये डॉट कौन सा, मिडिल डॉट है, ये साइड है या ये साइड है। तो इसमें बहुत मज़ा आएगा बच्चों को। जैसे ये दोनों डॉट ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद वन यहाँ पे वन, फिर उसके बाद ये दोनों ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से एक एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिया है, आप कोई भी 3x3 ले सकते हैं, 3x4 ले सकते हैं, पहले 2x, लेकिन पहले इजी के लिए 2x2 भी ले सकते हैं, लेकिन पहले कुछ इजी दीजिए, फिर उसके बाद आप डिफिकल्ट वाला ट्राई करा सकते हैं। तो अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने सर्कल, ट्राइंगल, स्टार और डायमंड को एक नंबर दिया है, लाइक सर्कल इज इक्वल टू 1, ट्राइंगल इज इक्वल टू 2, स्टार इज इक्वल टू 3 और डायमंड इज इक्वल टू 4। तो नॉर्मली 1+2, 2+2, 3+3 ऐसे नॉर्मल एडिशन तो बच्चे करते हैं, आप ऐसे थोड़ा डिफरेंट करके दीजिए। जैसे सर्कल प्लस ट्राइंगल, सो सर्कल इज इक्वल टू 1, ट्राइंगल इज इक्वल टू 2, सो 2+1 यहाँ पे बच्चे लिखेंगे 3। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया है, ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्वल टू 2, सर्कल इज इक्वल टू 1, स्टार इज इक्वल टू 3, सो 3+1, 4, 4+2, 6 ऐसे। अभी आते हैं हमारे लास्ट जो एक्टिविटी है वहाँ पे। तो नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप, हम क्या करते हैं बच्चों को, कुछ एनिमल्स के अंदर एक बर्ड दे दिया तो उनको वो वाला ऑड वन हो गया, कुछ पेन पेंसिल के अंदर एक फूड आइटम दे दिया तो वो ऑड वन हो गया, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मैंने ये पे ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स के अंदर कुछ लाइन्स ड्रॉ किया है, सारे लाइन्स क्या है, अप टू डाउन है, लेकिन यहाँ पे ये पिक्चर में मैंने लेफ्ट टू राइट, आधा लाइन जो है लेफ्ट टू राइट लिखा है, तो ये हो गया हमारा ऑड वन। तो ऐसे कुछ ट्रिकी वाला आप दे सकते हैं। जैसे आप सर्कल्स, मैंने 5 सर्कल्स ड्रॉ किया है, सब में मैंने स्टार्स ड्रॉ किया है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया ऑड वन। यहाँ पे क्रॉस मतलब ये लाइन्स जैसे है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने लाइन के, मतलब लाइन को छोड़ के मैंने कुछ ऐसे ये क्या बोलते हैं कर्व्स ड्रॉ किया है, तो ये वाला ऑड वन हो गया। तो ऐसे आप कुछ दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।